हेलो एवरीवन, आज 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी के बारे में। देखिए, सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है ये, और काफी बड़ी और काफी दिग्गज कंपनी है ये। एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें आई थी, शेयर 150 रुपए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब एकदम से बड़ी रैली भी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि इसकी उम्मीद भी थी कि आईटीसी बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखा हो, जब आईटीसी 150 रुपए के आसपास जा रहा था, तब भी मैंने कहा था कि भैया होल्ड करके रखो, दमदार शेयर है ये, डरने की जरूरत नहीं है। भले सरकार अपनी होल्डिंग बेच रही है, लेकिन आपको होल्डिंग बेचने की जरूरत नहीं है। वापस ये बाउंस बैक कर लेगा और काफी अच्छा बाउंस बैक करेगा। और देखिए, 170 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा है, और तीन चार बड़ी अपडेट भी यहाँ पर निकल कर आई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस प्राइस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटीसी का शेयर 170 रुपीज के आसपास ट्रेड करा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में आईटीसी का जो शेयर है उसमें देखिए 158 रुपीज तक का लो था, लेकिन उस दिन ये 154 रुपीज के आसपास ही पहुंचा था। लेकिन अभी बढ़िया बाउंस बैक किया है, 170 तक पहुंचा है। हालांकि 188 रुपए से गिरता हुआ ये नीचे भी आया था। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 43% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 307 रुपए के आसपास का लेवल यहाँ पे बना था, और उसके बाद शेयर कंटिन्यूस नीचे ही गया है। 150 रुपए से भी नीचे ये शेयर पहुंच गया था, लेकिन बाद में बाउंस बैक किया और 190 के करीब पहुंचा, और वापस से गिरा और वापस बाउंस बैक कर रहा है ये। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 40% की गिरावट है। 340 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है। और देखिए, पहले क्या होता था कि भैया गिरावट आती थी तो बाउंस बैक कर लेता, फिर गिरावट आई फिर बाउंस बैक कर लिया। लेकिन अभी बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आने की जो वजह है वो ये है कि जो इनका जो मेन बिजनेस है वो है सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट का। इनका सबसे बड़ा मेन बिजनेस है और बड़ा रेवेन्यू वहीं से आता है। आज भी 80-85% का जो रेवेन्यू है वो सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट के सेलिंग से ही आता है। और हाल फिलहाल में जब कोविड-19 आया तो सारी की सारी फैक्ट्रियाँ इनकी बंद हो गई सिगरेट की। इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी बंद था, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा था। और उससे पहले सरकार ने टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी ज्यादा टैक्स डाल दिया था, तो वो भी एक रीजन था कि शेयर में गिरावट आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि शेयर बाउंस बैक की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो कंपनी है उसने अपना जो मैन्युफैक्चर है वो थोड़ा बहुत FMCG में काफी ज्यादा बढ़ाने की वो लोग सोच रहे हैं, और ये काफी बढ़िया इनका मूव भी है। यहाँ पर देखिए, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है एनएसई में। अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो एफआईएस के पास 14.65% की होल्डिंग है। एफआईएस ने हल्की सी होल्डिंग गिराई है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 9.61% की होल्डिंग थी, अब वो 9.94% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 21.70% की होल्डिंग थी, वो 21.72% की होल्डिंग इनके पास है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 42.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप देखिए, यहाँ पर 383 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, और 914,914 FIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो टोबैको मैन्युफैक्चरर इंडिया लिमिटेड है, जिनके पास 24.23% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.39% के आसपास देखने को मिली है। और आप देखिए, डिविडेंड 575% का डिविडेंड भी पे कर है, मतलब पर शेयर आपको 5.75 रुपए मिल रहे हैं। एक बड़ी खबर निकल कर आई है, वो ये है कि FMCG कंपनीज एंटर इनटू इनोवेटिव टाई अप टू रीच आउट टू द कस्टमर। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी FMCG कंपनी है, जैसे मैरिको की बात करें तो उन्होंने सफोला स्टोर ऑन स्विगी एंड जोमेटो, और तो और उबर इंडिया के साथ भी उन्होंने टाई अप किया है। लेकिन अगर हम आईटीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो आईटीसी हैज लॉन्च मल्टीपल इनिशिएटिव टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस बाय टैपिंग अ रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल फूड्स एंड हाइजीन प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड एट द डोरस्टेप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो देखिए, लॉकडाउन का माहौल है, और इस माहौल में आईटीसी ने काफी सारा जो स्टेप्स लिए हैं मेजरमेंट के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी यहाँ पर इन्होंने बनाई है ताकि घर घर ये लोग उनकी प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो हालांकि किया क्या है, तो देखिए, आईटीसी है जॉइंट हैंड विद डोमिनोज टू डिलीवर आईटीसीज एसेंशियल आइटम। तो देखिए, डोमिनोज के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। अलोंग विद डोमिनोज इट हैज आल्सो पार्टनर्ड विद फूड डिलीवरी चेन स्विगी जोमेटो अलोंग विद कम्युनिटी सेंट्रिक एप सच एज अपना
कॉम्प्लेक्स, माइगेट, नो ब्रोकर्स एंड एस्गो। तो देखिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है, और तो और जो नो ब्रोकर के साथ है, एस्गो के साथ, कुछ मोबाइल ऐप के साथ भी इन्होंने टाइप किया उसके साथ। जो बड़ा अगर हम बात यहाँ पर बात करें तो डोमिनोज है, स्विगी है और जोमेटो भी है। तो काफी बड़ा यहाँ पर नाम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और थ्रू सच टाइप आईटीसी एंश्योर द होम डिलीवरी ऑफ ब्रांड्स लाइक आशीर्वाद, यीपी, सनफिश, बी नेचुरल, सेवलॉन एंड फियामा। तो देखिए आईटीसी की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसके बारे में भी मे बी हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरी खबर है वो काफी बढ़िया पॉजिटिव है, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीसी रिस्टार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट एट इट्स फैक्ट्रीज, ये रिपोर्ट कह रही है। जैसे कि हम सबको पता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टोबेको और सिगरेट्स का मेन बिजनेस है, और वहीं से 80% जितना इनका रेवेन्यू आता है। तो आप देख सकते हैं कि द सिगरेट मेकर आईटीसी हैज रीस्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ इट्स सिगरेट फैक्ट्रीज, द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट। तो देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि भैया प्रोडक्शन शुरू हो यहाँ पर हो चुका है। द कंपनी विच हैज ओवर 75% शेयर्स इन कंट्रीज टोबेको इंडस्ट्री हैज सस्पेंडेड प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट एंड फैक्ट्रीज फॉलोइंग अनाउंस ऑफ द नेशनल वाइड लॉकडाउन। तो देखिए मार्च से इनका जो पूरा का पूरा जो सिगरेट का बिजनेस था वो बंद पड़ा था, सारी की सारी फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद पड़ी थी। और अगर हम बात करें तो भैया इस टाइम के ड्यूरेशन में सिगरेट्स की जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा हाई भी देखने को मिली थी, काफी ज्यादा उछल भी चुकी थी सिगरेट्स की प्राइस। तो वो चीज भी यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। तो अब एक बहुत पॉजिटिव खबर आ रही है कि भैया आईटीसी यहाँ से एक बढ़िया पोजिशन में आ सकता है, क्योंकि अब इनकी जो सिगरेट की फैक्ट्रीज है वो शुरू हो रही है। दूसरा जो उनकी एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट्स है उसको सप्लाई करने के लिए उन्होंने काफी लोगों के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें डोमिनोज है, स्विगी है, जोमेटो है, काफी चीजें यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर आईटीसी की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा, वहां पर आप समझ पाएंगे कि देखो कितने सारे इनके बिजनेस है। एफएमसीजी, होटल बिजनेस भी है, पेपर बोर्ड स्पेशली पेपर का, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जगह पर इन्होंने हाथ डाला हुआ है। हालांकि सिगरेट का तो यहाँ पर नाम भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको सिर्फ इनकी प्रोडक्ट की बारे में बात करूँ तो देखिए आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। आपके घर में इनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगी। जैसे आशीर्वाद की मैं बात करूँ तो आशीर्वाद का आटा है, घी है, नमक है, स्पाइसेस है, और तो कई सारी चीजें जो इंस्टेंट भी बनाई जाती है। सनफिश के आप भैया देखो, बिस्किट, कुकीज, केक, हर चीज आप देख लो, डार्क फैंटेसी से लेकर मॉम्स मैजिक, आपको हर से सारी की सारी चीज यहाँ पर मिल जाएंगी। बिंगो की चिप्स ऑलरेडी काफी फेमस है, किचन ऑफ इंडिया भी है, सनफिश, यीपी नूडल्स भी है, नूडल्स और पास्ता की अलग अलग रेंज ऑफ वैरायटीज आपको मिल जाएगी। बी नेचुरल धीरे धीरे ये जो ब्रांड है बेवरेजेस का वो काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है। मिंटो और के साथ कैंडी मैन भी देखो, गमोन भी यहाँ पर आप देखो, फेवरेट भैया लग्जरियस चॉकलेट है और काफी बड़ा इनका नाम भी है। इसके साथ साथ सन बीम है, वंडर्स मिल्क है, आईटीसी मास्टर शेफ है, फार्मलैंड है, डिविल्स भी है, इसके साथ ड्रीम फ्योर, फियामा अगेन काफी बड़ा नाम है ये, विविल वो भी बड़ा नाम है, एंगेज काफी बड़ा नाम है, सुपीरिया, उसके साथ सेवलॉन अभी के टाइम पे भैया एंटीसेप्टिक लिक्विड सोप्स एंड हैंड वॉश काफी ज्यादा बिक रहे हैं, तो सेवलॉन भी काफी बड़ा नाम है इनका। तो देखिए क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेन से लेकर पेंसिल आपने यूज की होगी, पेपर क्राफ्ट भी बढ़िया प्रोडक्ट है इनकी, सेफ्टी माचिस है, मंगलदीप अगरबत्ती है, धूप वगैरह आपने देखा होगा, होम लाइट्स। देखिए आशीर्वाद सॉरी आईटीसी की आपने जनरली बहुत सारी प्रोडक्ट आपके घर में आपने देखी होगी, और इनका जो मार्केट है वो भी काफी बड़ा है। और दो तीन बड़ी खबर है कि भैया ये जो एफएमसीजी ब्रांड है उसको प्रमोट किया जाएगा, मतलब घर घर पहुंचा जाएगा, डोमिनोज है, फिर स्विगी, जोमेटो और भी कई सारी एप्स है उनके द्वारा पहुंचा जाएगा। सिगरेट का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, फैक्ट्रियां शुरू हो रही है, तो काफी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आईटीसी के लिए देखने को मिल रही है। आईटीसी के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में चीजों को दिखाने की कोशिश करूं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि आप यहाँ पर देख सकेंगे कि टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन पी 14.16 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.25 है, बुक वैल्यू 45 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.75 है, ईपीएस 12 के आसपास देखने को मिला है, और डिविडेंड जैसे कि आप देखिए 575% का है, डिलीवरी 38 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और तो और आप खुद देखिए कि भैया हर क्वार्टर में कंपनी कितना बड़ा बिजनेस करती है, हर क्वार्टर में 4,000 करोड़ का भैया सिर्फ मुनाफा कर रही है कंपनी। दिसंबर में 4,140 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में 4,023 करोड़ का प्रॉफिट, जून में 3,175 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मार्च में 3,480 करोड़ का प्रॉफिट,
दिसंबर में 3,210 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो भैया कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कर रही है, बढ़िया मुनाफा कंपनी हर क्वार्टर में कर रही है, तो इससे आप समझ सकते हो। और दूसरी चीज ये कि भले सरकार यहाँ पर अपनी होल्डिंग बेच रही है, लेकिन फिर भी आईटीसी एक बहुत ही बड़ी और दिग्गज कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स आपने खुद देख ली कि काफी बड़ा नाम है, चाहे हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम एफएमसीजी की बात करें, या फिर चाहे हम पेपर क्राफ्ट की बात करें। तो भैया बहुत ज्यादा फेमस है इनके प्रोडक्ट्स। और इसके साथ साथ इनका जो सबसे बड़ा जो मेन बिजनेस है टोबेको का, अब धीरे धीरे फैक्ट्रियां भी शुरू हो रही है। तो याद रखिए जिनको सिगरेट पीनी है उनको पीनी है भैया। लोग जो है वो 3-4 गुने दाम लेकर और देकर भी इसको खरीदते थे। तो अब जब सोचिए कि जब लॉकडाउन हटेगा और वापस से जब इसकी बिक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, तब कितना बड़ा आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा कि आईटी से अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने खरीदा हुआ है, तो देखिए गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहे, बढ़िया स्टॉक है, जरूर बाउंस बैक कर लेगा। अगर नहीं खरीदा है तो जरूर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि भैया छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो। अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, अगर नीचे जा रहे हैं तो थोड़े और शेयर खरीद लो, अगर नीचे जा रहे हैं तो थोड़े और शेयर खरीदो। इस स्ट्रेटेजी से आप अगर यहाँ पर काम करोगे, इस स्ट्रेटेजी से अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, इवन आपका पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाएगा और आपको इतना बड़ा लॉस कभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। आईटीसी का जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो मुझे लगता है कि शेयर बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में 180 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।